हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क में हम लाइन में कैसे हम मल्टीपल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आइडिया एलियस के जैसे, आइडिया एलियस के थ्रू। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेट सेपरेट नेटवर्क दे, लेकिन हमारे फायरवॉल पोर्ट में सिंगल पोर्ट है या हमारे पास और एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं अवेलेबल है, तो उसको कैसे हम इनेबल करेंगे या उसके लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइज, आपको अपने नेटवर्क में क्लिक करना है। गाइज, नेटवर्क में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हमारे पास लाइन पोर्ट है, पोर्ट ए है। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन पोर्ट पे मैंने ऑलरेडी दो एचआर और सेल्स नाम से विलेन क्रिएट कर रखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी लाइन पोर्ट पे मैं सेपरेट एक नेट ऐड एलियस कर दूँ, जिसके द्वारा मैं और एक दूसरा नेटवर्क जोड़ दूँ, जिससे मुझे अलग अलग इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस की जरूरत ना पड़े। एक ही इंटरफेस पे हम वर्चुअली मल्टीपल आईपी के लिए नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा पोर्ट ए, हमको याद रखना है। यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है, ऐड एलियस पे क्लिक करना है। ऐड एलियस पे क्लिक करने के बाद गाइस, अब यहाँ पे आपको हमको क्लिक करना है, पोर्ट ए सेलेक्ट करना है। पोर्ट ए के ऊपर हम एक नेटवर्क जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमको एक आईपी एड्रेस दे, जैसे 10.10.9.1 हमने एक आईपी सीरीज दे दिया पोर्ट ए पे, और हमने सबनेट हमारा 24 का हमने रखा और इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि हमारे एक ही इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस ए के ऊपर हमने एक वर्चुअल इंटरफेस 10.10.9.1 क्रिएट किया है। अब हम इस नेटवर्क को अपने फायरवॉल, अपने नेटवर्क में मतलब यूज कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में आप इस सीरीज का नेटवर्क देंगे तो वो सिस्टम प्रॉपर उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से हमारा फिजिकल नेटवर्क काम करता है। ओके गाइज, मुझे लग रहा है कि आप लोग को अगर कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी तो मैं एक बार और एक पोर्ट क्रिएट करके आपको दिखा सकता हूँ, जिस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, ईमेल करो, मैं आपको हर जगह से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी हमने क्या किया गाइस, देखिए, हमने दो एचआर सेल्स और एचआर नाम से विलेन बनाया है, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था। अब हमने यहाँ पे पोर्ट ए के ऊपर एक आलिया सेट कर दिया। अब इस नेटवर्क को हम अपने नेटवर्क में उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं जिस प्रकार से पोर्ट ए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट ए 8.0 हो गया, राइट, हमने जो क्रिएट किया पोर्ट ए 8.0 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक और आलियास क्रिएट करता हूँ पोर्ट ए पे। अगर हम चाहते हैं कि और भी हमारे पास और डिपार्टमेंट जिनको सेपरेट सेपरेट हम आईपी दें, तो अब यहाँ पे हम एक आईपी सीरीज डाल देते हैं, लाइक 192.168.50.1 एक सीरीज हमने और क्रिएट किया। हमने पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए नेटवर्क दे दिया, कुछ डिपार्टमेंट करीब 150 यूजर्स हैं तो उनको ये सीरीज का हम नेटवर्क दे दें। तो इसके लिए हमको फायरवॉल पे हम वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल नेटवर्क, लाइन नेटवर्क, ना कि हमको उसके लिए फिजिकल फायरवॉल के लिए पोर्ट चाहिए। तो आप इसका, इस सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि आप मतलब सिंगल पोर्ट पे मल्टीपल पोर्ट क्रिएट सकते हैं और फायरवॉल पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी इजी होगी। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे 192.168.50.1 हमने एक ऐड एलियस कर दिया। अब इसको भी अपने नेटवर्क में यूज करके आप जैसे फिजिकल नेटवर्क का यूज करते हैं उसी प्रकार से हमने फायरवॉल के फिजिकल पोर्ट पे वर्चुअल दो पोर्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब इसका पोर्ट नंबर हो गया 8.1। तो गाइज, मैं इस वीडियो में इतने ही बताना चाहता हूँ कि अगर हम आपके फायरवॉल में पोर्ट, इंटरफेस पोर्ट काफ़ी ज़्यादा यूज हो गया तो आप इस प्रकार से वर्चुअल पोर्ट क्रिएट करके आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपके कमेंट और रिप्लाई का जरूर करूंगा। तो चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।